नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड के बारे में जानने वाले हैं, ये वर्ड है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और इसी को हम शॉर्ट में एसओपी भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसओपी? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि किसी भी मशीन को, इंस्ट्रूमेंट को, एपरेटस को कैसे परफॉर्म किया जाए, कैसे यूज किया जाए, इनके बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल ही फार्मेसी लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड साइंटिफिक लैंग्वेज में एसओपी कहलाती है। इसको अगर आप साधारण हमें बात करना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ यूजर मैनुअल। जैसे जब कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उनके साथ आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, जिसमें कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, कैसे टेक्स्ट मैसेज, कैसे एसएमएस, कैसे बाकी चीजों को यूज करना है, इसकी पूरी जानकारी मिलती है। सो किसी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली जब हम इसको खरीदते हैं तो उसका एसओपी बनवाया जाता है, या आपके लैब में कोई जो रिस्पेक्टिव पर्सन अथॉरिटी होगी वो बनाते हैं। उनमें उनके स्टार्ट करने से लेकर के अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनने के बाद, या उस मशीन का जो भी रेस्पेक्टिव टास्क होगा, इस टास्क के खत्म होने के बाद उनको क्लीन करके वापस से उनको उसकी जगह पे अच्छे से रखना, इन सब प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप जानकारी ही एसओपी कहलाती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जस्ट रफ एग्जांपल की, तो स्विच ऑन द मोटर, चेक द रोटेशन, चेक द वेट एंड ऑल, ये सब चीजें आपकी एसओपी के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। एसओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको उस मशीन को अच्छे से, केयरफुली, और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को तो खास करके अच्छे तरीके से हैंडल करने में आपकी मदद करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द एसओपी एज पर द गाइडेंस ऑफ योर लेबोरेटरी मैनुअल्स। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।